एनालिसिस करेंगे बीएलएस स्टॉक के बारे में, देखेंगे बीएलएस में क्या टारगेट हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, स्टॉक का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। आज के दिन स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिला 386 रुपीज़ के पास। अगर प्रीवियस मूव की बात की जाए तो स्टॉक अराउंड हम लोग को 13 तारीख से एक फॉल दिखा रहा है, जो कि अराउंड ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है 471 रुपीज़ के पास से, और वहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक देखेंगे तो 400 रुपीज़ का भी लेवल अपने को नीचे के लेवल पर ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो ऊपर के लेवल पर स्टॉक में एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया 450 रुपीज़ का लेवल, और नीचे की तरफ स्टॉक में पहले सपोर्ट हुआ करता था 400 रुपीज़ के पास, जो कि ब्रेकआउट हो ऑलरेडी हो चुका है। अब नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट है 350 रुपीज़ के पास। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करके रखा है बीएलएस में, या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपका ऐसा होना चाहिए 350 रुपये के पास, क्योंकि अब स्टॉक का एक क्रूशियल लेवल सपोर्ट बन चुका है 350 रुपये का लेवल। तो जब तक स्टॉक 350 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाई चांस 350 रुपये का लेवल ब्रेकआउट करते हुए दिखता है नीचे की तरफ, हो सकता है स्टॉक 300 रुपये से नीचे तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे किसी को फ्रेश बाइंग करना है, एक अच्छे मोमेंटम के बाद, करेक्शन के बाद किसी को फ्रेश बाइंग करना है, तो करेंट लेवल पे बिल्कुल बाई करेंगे, ऐसे लगाएंगे 350 रुपये के आसपास, और ऊपर की तरफ मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे 400 रुपीज़ के ऊपर। तो यहाँ से जब भी अपने को 400 रुपीज़ के ऊपर कोई भी डेली चार्ट पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और मिनिमम 2 से 3 दिन तक स्टॉक ट्राई करता है 400 रुपये के ऊपर सस्टेन करने का, ऊपर की तरफ एक बड़ा रैली अपने को कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जैसे स्टॉक में शॉर्ट टर्म के हिसाब से टारगेट देखने को मिलेगा अराउंड 500 रुपीज़ तक का, दूसरा टारगेट होगा अराउंड 600 रुपीज़ तक का, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इससे ज़्यादा भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।